हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्ञान बिंदु जी एस एकेडमी का न्यू बिहार एस का प्रैक्टिस सेट जो कि हाल ही में आया है आपका प्रैक्टिस सेट बिहार एस का उसे आज हम देखने वाले हैं ये पेड कोर्सेज वाला प्रैक्टिस सेट है आपका आज हम टेस्ट नंबर वन देखेंगे टोटल इसमें तेरह या चौदह प्रैक्टिस सेट दिया गया है जो भी प्रैक्टिस सेट है आपको हम सारा कंप्लीट करवा देंगे डेली आपको एक सेट देखने को मिलेगा तो चलिए आज से शुरू करते हैं और बिल्कुल फैक्ट के साथ जो भी इसका आंसर वगैरह एरर है सारे को हम करेक्ट करके उसके बाद आपको ये प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो आप लोग इसे देख सकते हैं और क्वेश्चन बहुत अच्छा है आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसमें सेट जरूर लगाएं तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा ज्वाइन के जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उन लोग ले लेंगे लेकिन जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं जाके ज्वाइन कर लेंगे डिस्क्रिप्सन में लिंक दिया हुआ है और वहाँ से पी लेके सेट लगा सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की ओर संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस अधिकारी के शपथ लेने के प्रारूप का वर्णन नहीं है तो तीसरी अनुसूची की अगर हम बात करते हैं दे रहायत कि तीसरी संविधान की जो तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस अधिकारी के शपथ लेने के प्रारूप का वर्णन नहीं है सबसे पहले तो हम बता दें कि हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं बारह अनुसूचियाँ हैं बारह अनुसूचियां में जो तीसरा अनुसूची है वो कहता है कि विभिन्न पदाधिकारियों एवं विभिन्न पदाधिकारियों का शपथ से संबंधित है जिसमें कि आप देखेंगे कि मंत्री उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख करता है तो इसमें क्या दिया हुआ है राज्य एवं संघ के मंत्री सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं राज्यपाल तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा राज्यपाल का शपथ ग्रहण इसमें नहीं होगा ठीक है तो पहली अनुसूची में क्या है पहली अनुसूची में आप देखेंगे तो इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख दिया गया है दूसरी अनुसूची में आप देखेंगे कि भारतीय राज्यव्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति हो गया राज्यपाल लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष राज्यसभा के सभापति उपसभापति विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए ये सभी लोगों को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते का उल्लेख किया गया है ठीक है अगला प्रश्न देखते हैं दो नंबर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सिंधु लिपि के दस बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख की प्राप्ति हुई है तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न पूछा गया है तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम आपको बता दें कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सिंधु लिपि के दस बड़े चिन्हों से निर्मित शिला की प्राप्ति हुई है तो सिंध इसका अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा धौलावीरा धौलावीरा से प्राप्त हुआ है धौलावीरा जो है दोस्तों ये लूनी नदी के तट पर है गुजरात के कच्छ जिला में और जे पी जोशी ने और रविंदर सिंह बिष्ट ने इसका इसके जो है उत्खनन करता है धौलावीरा के ठीक है चलिए हरप्पा की बात करते हैं तो हरप्पा आपका रावी नदी के तट पर है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में उसके बाद नेक्स्ट है आपका कालीबंगा कालीबंगन की अगर हम बात करें तो ये आपका गांगा नदी के तट पर राजस्थान में उसके बाद नेक्स्ट है बनवाली वनवाली की बात करें तो वनवाली आपका हो जाएगा कहाँ पे रंगोई नदी के तट पर है हरियाणा के हिसार ज़िला में ठीक है तो ये सारा जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न है चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगला प्रश्न चार नंबर देखेंगे नहीं तीसरा नंबर यहाँ पे मिथन नामक त्यौहार भारत में किस जनजा किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है तो इसकी अगर हम बात करें ये जो त्यौहार है नागा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है नागा जनजाति के द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है और मिथुन की बात अगर हम करें तो ये जो है मिथुन थायागार नागा जनजाति के द्वारा मनाई जाती है उसके बाद ये जनजाति नागालैंड मणिपुर अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है और इसका संबंध जो है वो इंडो मंगलोइड प्रजाति से है और ये अधिक ये जो है अधिभावता गर्भवती है और आपस में जुड़ी हुई है ठीक है अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर चार क्वेश्चन नंबर चार कह रहा है आपका कि दीवान ए मुस्तक राज नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने किया था तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था दीवान ए मुस्तक राज नामक नए विभाग की स्थापना किया था अलाउद्दीन खिलजी ने उसके बाद अगर हम और भी बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम बात करें तो एक कृषि विभाग का स्थापना किया था मोहम्मद बिन तुगलक जिसको दीवान कोही कहा जाता है और बलमन ने जो है एक सैन्य विभाग का स्थापना किया था जिसको दीवान अर्ज कहा जाता है और फिरोज शाह तुगलक का तीन विभाग था एक था दीवान वंदगान दीवान खैरात और दीवान इस्तेहाक ये तीनों जो है फिरोज शाह तुगलक का है ठीक है अगला प्रश्न देखते हैं छठा नंबर जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है तो पहला है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है एवं सर्वाधिक कम लिंगानुपात हरियाणा में पाया जाता है दूसरा है यह 6 वर्ष से कम शिशु आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में दर्ज की गई है जबकि सबसे कम हरियाणा राज्य में दर्ज की गई है तो ये जनसंख्या से संबंधित प्रश्न है तो इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर आपका केरल हो जाएगा जो कि सिर्फ और सिर्फ इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा एक मिनट तो इस प्रश्न का कह रहा है कि उत्तर कूट की सहायता से दीजिए तो केबल और केबल इसका करेक्ट आंसर सिक्स का ए हो जाएगा क्योंकि जनगणना 2011 के अनुसार जो है वो सर्वभौमिक सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है एवं सर्वाधिक कम लिंगानुपात वाला हरियाणा में पाया जाता है चलिए सात नंबर प्रश्न देखते हैं कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था बनाई गई कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पुनर्लेखन नहीं होगा तो सात नंबर प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सात नंबर प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा अड़तीसवां संविधान संशोधन के द्वारा अड़तीसवां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा यह किया गया यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पूर्णालोकन नहीं होगा तो उनचालीसवां संविधान संशोधन जो उन्नीस है इसमें क्या है तो उनचालीसवा संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि थर्टी नाइनवा संविधान संशोधन एक मिनट तो इसमें दिया हुआ है एक तो आपका उनतालीसवा संशोधन जो है इसके द्वारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधित विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया ये संशोधन आपका उनचालीसवां संविधान संशोधन में दिया गया है उसके बाद अगर हम देखते हैं अर्थ तो करेक्ट आंसर आपका हो गया सात का भी बयालीसवां संविधान संशोधन बयालीसवां संविधान संशोधन उन्नीस की अगर हम बात करें तो इसमें दिया हुआ है बयालीसवां बयालीसवां संविधान संशोधन उन्नीस में इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए जिनमें से आप देख सकते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया उसके बाद सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकार पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई इसके अंतर्गत संविधान इसके अंतर्गत संविधान में दस मौलिक कर्तव्य इक्यावन के क में जोड़ा गया और भाग फोर के क के अंतर्गत जोड़ा गया इसके द्वारा संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया ऐसी सारी बहुत सारी चीज़ें थी जो इसमें हुआ था ठीक है बयालीसवां संविधान संशोधन में ठीक है तो आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आठ नंबर आठ नंबर प्रश्न है कि पाँच मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौता के तहत कौन सी शर्तें वाइसराय लॉर्ड इरविन मानने हेतु तैयार हुए तो गांधी इरविन समझौता पाँच मार्च 1931 को हुई थी ये डेट भी आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है और इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कर रहा है कि कौन सी शर्तें लॉर्ड इरविन को मानने हेतु तैयार हुए थे तो इस प्रश्न का आंसर दिया हुआ है कि ऐसे राजनीतिक बंदियों को आजाद रिहा कर दिया जाएगा जिन पर हिंसा के आरोप नहीं है दूसरा में कहा गया कि भारतीय भारतीय पर मानक बनाने पर लगी रोक खत्म कर दिया जाएगा तीसरा है भारतीय विदेशी वस्त्र तथा शराब के दुकान पर धरना दे दे सकते हैं परंतु कानून का पालन करते हुए और चौथा जिन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दिया उन्हें पुनः सरकार वापस लेने का प्रयत्न करेगा तो ये जो आपका है सारा ऑप्शन बिल्कुल गांधी इरविन समझौता के समय का करेक्ट दिया हुआ है ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पाया जाता है तो भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व जो पाया जाता है दोस्तों ये केरल में पाया जाता है केरल की अगर हम बात करें तो केरल के रूप में जो केरल आ, केरल की अगर हम बात करें तो केरल में एक हज़ार किलोमीटर औसत सड़क की लंबाई है तो केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दस नंबर प्रश्न है कि काला घोड़ा काला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है तो काला घोड़ा और काला महोत्सव मुंबई में आयोजित किया जाता है कहाँ पे मुंबई में आयोजित किया जाता है इस प्रश्न का आंसर आपका मुंबई हो गया ग्यारह नंबर है कि भारत में सुशासन के समक्ष कौन सी समस्याएं हैं जिसके कारण प्रशासन नागरिक केंद्रित नहीं हो पाता है तो इस प्रश्न का आंसर आप देखेंगे इसमें ऑप्शन क्या है देख लीजिए एक बार सिविल सेवकों की अभिकृति अभिवृत्ति मूलक समस्याएं जवाबदेही का अभाव लाल फिता नागरिकों को अपने अधिकार तथा कर्तव्य का सही ज्ञान का अभाव कह रहा है कि कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी और डी में दिया हुआ है उपयुक्त में से सभी ये सभी जो है ऑप्शन सिविल सेवकों की अभिवृत्ति मूलक समस्याएं भारत में सुशासन के समक्ष जिसके कारण प्रशासन नागरिक केंद्रित नहीं हो पाता है एक तो ये है उसके बाद जवाबदेही का अभाव लाल फिताशाही और नागरिक को अपने अधिकार तथा कर्तव्य का सही ज्ञान का अभाव ये सभी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है इसीलिए दोस्तों आंसर आपका डी हो जाएगा चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं बारह नंबर निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं है तो लक्ष्मण सेन के दरबार से लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं है वो हो जाएंगे लोकेश्वर शतक के रचयिता ब्रजदत्त लोकेश्वर शतक के रचयिता वज्रदत्त वज्र, वज्र जो है ये लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं है जय लक्ष्मण सेन के दरबार में जो रहते थे वो जयदेव रहते थे जो गीत गोविंद के रचयिता थे ठीक है तो ये आपका करेक्ट नहीं होगा ऑप्शन नंबर बी पवन दूत के लेखक धोई हैं ब्राह्मण सर्वस के रचयिता हलाल युद्ध हैं बिल्कुल आपका सभी इसमें ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है नेक्स्ट देखिएगा तेरह नंबर वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल है तो इसका करेक्ट आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा जो कि आपके आंसर में इसका आंसर गलत दिया हुआ है तो जो लोग सिर्फ और सिर्फ आंसर के भरोसे रहेंगे कि तो उन्हें बहुत सारा इसमें से एरर एर देखने को मिलेगा ठीक ना इसमें कम से कम पाँच छः क्वेश्चन का जो आंसर है वो मिस प्रिंट है तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कि वीडियो के माध्यम से ही आंसर आप लोग देखें ठीक है तो चलिए इस तेरह नंबर प्रश्न का आपने देखा तेरह नंबर प्रश्न क्या है कि भारत में वर्तमान में किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र केंद्र है तो वो आपका महाराष्ट्र में इसका करेक्ट आंसर हो गया कहाँ पे है महाराष्ट्र में अगर हम बात करते हैं कपड़े की बात अगर हम करें तो वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा संगठित औद्योगिक वस्त्र उद्योग जो है वो भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग में से एक है और पिछले चार दशक के दौरान इस उद्योग में असमान परिवर्तन हुए हैं औद्योगिक पूंजी का लगभग 16 प्रतिशत देश का 20 प्रतिशत से अधिक औद्योगिक श्रम इस उद्योग में लगा हुआ है कपड़े के उद्योग में और कपिस भारतीय उद्योग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा कप, कपास जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कपिस पर आधारित भारत भारत इसमें अगर हम बात करते हैं ये अगर हम बात करें गुजरात महाराष्ट्र भौगोलिक क्षेत्र कर्नाटक मध्य प्रदेश हरियाणा राजस्थान और पंजाब राज्य भारत के प्रमुख कपड़ा निर्माता है ये सभी राज्य जो हैं वो भारत के प्रमुख कपड़ा निर्माता राज्य हैं तो ये आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो गया चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे तो भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो थे वो हो जाएंगे आपके कौन तो ये हो जाएंगे बी नरहरी राव बी नरहरि राव जो थे वो भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे तो वर्तमान में कौन है देखिए जो गिरिश चंद्र मुर्मू थे वो तो चेंज हो चुके हैं लेकिन वर्तमान में कल परसों में जो नया चेंज हुए हैं उनका नाम मुझे अभी पता नहीं है अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि कौन नए बने हैं ठीक है गिरीश चंद्र मुर्मू के बाद एक से दो दिन पहले का न्यूज है तो आप लोग कॉमेंट करके बता सकते हैं मुझे भी मुझे भी आइडिया नहीं है और गूगल पर सर्च करने के बाद भी मुझे नाम नहीं मिला तो प्लीज़ आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताइएगा ठीक है अब अगला प्रश्न आता है कि जैन धर्म में जैन धर्म, तो धर्म, धर्म में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं तो जैन धर्म में जो है वो जैन धर्म में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं तो इस प्रश्न की अगर हम आंसर की बात करें तो दस बताया गया है कितना दस बताया गया है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है जैन धर्म की अगर हम कुछ बात करें तो जैन धर्म से संबंधित इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसे आप लोग एक बार जानने की कोशिश करें जैन धर्म के संस्थापक कौन थे ऋषभ देव थे सभी लोग जानते हैं जैन धर्म के तेईसवें तीर्थकर आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि पार्सवनाथ थे जो जैन धर्म के तेईसवें तीर्थकर थे ठीक है पार्सवनाथ जो काशी के इच्छावाकुवंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे ठीक है और जो इनके द्वारा शिक्षा दी गई थी पार्सवनाथ के द्वारा उसमें था चार शिक्षा इन्होंने दिया था उसमें दिया था हिंसा न करना सदा सत्य बोलना चोरी न करना संपत्ति न रखना उसके बाद तेईसवें के बाद चौबीसवें महावीर स्वामी आए जो जैन धर्म के चौबीसवें तीर्थंकर बने और महावीर का जन्म जो है वो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था इनके पिता जो थे वो सिद्धार्थ थे गायत्री कुल के सरदार थे माता तिरसलाद थी राजा चेटक की बहन थी और महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था पुत्र पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शनी था पहले पहले की अगर हम बात करें तो पहले जो तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे द्वितीय अजित नाथ थे तृतीय संभव नाथ सप्तम आप देखेंगे सप्तम थे, थे सपारसव और सोलह में थे शांति अठारवा आरनाथ थे और इक्कीस में नामी थे बाईस में आपके अरिस्टोनॉमी तेईस में पार पार्श्वनाथ पताही दिए हैं और चौबीस में महावीर थे तो ये सभी याद रखिएगा इसमें दो तीर्थंकर आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एक ऋषभ देव और अरिस्टोनॉमी इनका नाम इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों का नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और अरिस्टोनॉमी को ही भगवान कृष्ण का जो है वो निकट संबंधी बताया गया है चलिए सोलह नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं खेत क्रांति या ऑपरेशन फील्ड फील्ड का तृतीय चरण की समय अवधि क्या थी तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी उन्नीस से उन्नीस खेत क्रांति या ऑपरेशन फील्ड का तृतीय चरण की समय उन्नीस सौ से छियासी थी भारत के समाधान में नौवे भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती है तो किन राज्यों में लागू नहीं होती है तो इस प्रश्न का आंसर है नागालैंड मेघालय और मिजोरम ये तीन राज्यों में नहीं लागू होती है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है अहमदाबाद मिल मजदूर के आंदोलन के दौरान गांधी जी का मुख्य सहयोगी कौन था या थी तो अहमदाबाद मिल मजदूर के समय की अगर हम बात करें तो गांधी जी का जो सहयोगी था या फिर थी वो थे अनुसुईया बेन कौन थी अनुसुईया बेन गांधी जी उन्नीस में जो है वो चंपारण सत्याग्रह किए थे पर विचार कीजिए भारत की पहली तेल शोधन का इकाई असम के डिगवोई क्षेत्र में 1901 में स्थापित किया गया था बिल्कुल आपका स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट दिया हुआ है स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधन शाला उन्नीस में मुंबई में स्थापित किया गया था दोनों स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है 20 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है गोवा में कहाँ पे किया जाता है गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है गृह मंत्रालय दैट मीन्स भारत सरकार द्वारा अब तक कुल कितने जनजातीय समूह को विशेष रूप से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में मान्यता दी गई है तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी सेवेंटी फाइव जनजातीय समूह के रूप में सेवेंटी फाइव जनजातीय समूह के रूप में जो है वो मान्यता दी गई है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है चलिए बाईस नंबर प्रश्न देखते हैं दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है एरन अभिलेख है मंदसौर अभिलेख है उसके बाद प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है और मेहरौली स्तंभ लेख है तो एरन अभिलेख की अगर हम बात करें तो एरन अभिलेख का संबंध किससे हो जाएगा तो इसको सबसे पहले आपको देखना है कि सुमेलित नहीं है तो एरन अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है बिल्कुल करेक्ट है मंदसौर अभिलेख कुमार गुप्त से संबंधित है ये भी सही है उसके बाद प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से है ये भी सही है और नेक्स्ट है आपका मेहरौली स्तंभ लेख मेहरौली स्तंभ लेख का संबंध जो हो जाएगा वो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये करक चंद्रगुप्त प्रथम से ये स्टेटमेंट जो है वो बाईस का डी आपका सुमेलित नहीं है मेहरौली स्तंभ लेख तो मेहरौली लॉ स्तंभ लेख चंद्रगुप्त प्रथम नहीं बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय होगा ये जो है दिल्ली में है दिल्ली भारत में मेहरौली में है और ये दिल्ली के लौह स्तंभ जो है इकतालीस सेंटीमीटर व्यास वाली यानी 4.21 मीटर ऊंची संरचना है इसका इसका निर्माण जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय करवाया था ठीक है तो ये आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसके अलावा एक दो और आप इम्पोर्टेंट देख सकते हैं मंदसौर प्रशस्ति की अगर हम बात करें मंदसौर अभिलेख तो आपको हम बता ही दिए उसके बाद एक हाथी गुफा अभिलेख भी कम का, का काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आ जाता है जो कि खारवेल कलिंग के द्वारा है एहोल एवलिक सिंह द्वितीय चालुक्य के द्वारा बनाया गया है ग्वालियर पर सस्ती भोज याद रखिएगा ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अगला प्रश्न आपका नंबर नंबर आता है प्रश्न है कि क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे बड़ी खादान फसल कौन सी है तो तीसरी सबसे बड़ी पूछा गया है तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ज्वार क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे बड़ी खादान फसल जो है वो ज्वार है ठीक है खादान फसल अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं इस हेतु सांसद की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है दूसरा स्टेटमेंट है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा संसद के द्वारा अनुमोदन होने के बाद ही राष्ट्रपति इसे वापस ले सकते हैं तो इस दोनों स्टेटमेंट में जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन सी यानी एक और दो दोनों कथन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है पच्चीस नंबर प्रश्न है पच्चीस नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है कि मराठा कालीन प्रशासन में शाही खजाने की आमदनी व खर्च की देखरेख करने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पुतनीस कालीन प्रशासन में शाही खजाने आमदनी के खर्च रेख देखने वाले को क्या कहा जाता था पोतनीस कहा जाता था ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट जो हो गया वो कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं छब्बीस नंबर भारत के निम्नलिखित नगरों में कहाँ पर सर्वाधिक मानसूनी वर्षा होती है तो भारत में सबसे अधिक कहीं भी मानसूनी वर्षा होती है तो वो कहाँ पे होगा तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कोलकाता में भारत के कोलकाता नगरों में सर्वाधिक मानसूनी वर्षा होती है कोलकाता नगरों में अगला प्रश्न आपका आता है कि अनुच्छेद दो के तहत अगर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है तो ऐसे कानून क्या होगा यह आपका कानून से संबंधित अनुच्छेद दो की अगर हम बात करें तो पहला दिया है पहला दिया है कि संघ के सभी राज्यों पर लागू होगा दूसरा है राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधन की जा सकती है परंतु समाप्त नहीं तीसरा स्टेटमेंट है आपका कि केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिनके लिए सांसद ने कानून बनाया इनमें से सभी तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा आंसर आपका सी हो जाएगा अनुच्छेद दो के संबंध में इसमें दिया गया है दो में अनुच्छेद दो में दिया गया है कि केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिनके लिए सांसद ने कानून बनाया है ठीक है तो करेक्ट आंसर आपका सी हो गया अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न क्या है अल्लूरी सीताराम राजू का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है तो अल्लूरी सीताराम राजू का नाम जो है वो आता है किसके लिए तो वो आता है आपका रामपा विद्रोह के लिए किसके लिए रामपा विद्रोह के लिए तो अल्लूरी सीताराम राजू का नाम जो आता है वो राम्पा विद्रोह के संदर्भ में आता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है रामपा विद्रोह की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया था और सीताराम राजू जो थे वो इसके नेता थे ये आपका का कब हुआ था तो ये अट्ठारह से उन्नीस के बीच में हुआ था ठीक है रामपा विद्रोह उसके अलावा आप अगर आप देखते हैं उसके अलावा आप देख सकते हैं खांसी विद्रोह की अगर हम बात करते हैं खांसी विद्रोह का तो ये जो है आपका हुआ था एक मिनट खांसी विद्रोह जो हुआ था वो असम के क्षेत्र इसको प्रभावित किया था असम क्षेत्र को और तीरथ सिंह इसके प्रमुख नेता थे तीरथ सिंह इसके प्रमुख नेता थे और ये जो हुआ था इसका समय अवधि की अगर हम बात करें तो 1833 के समथिंग हुआ 1833 में हुआ था खांसी विद्रोह ठीक है उसके बाद अगर आप देखते हैं संथाल विद्रोह की अगर हम बात करें तो ये बंगाल और बिहार को प्रभावित किया था सिंधु कानू जो थे इसके प्रमुख नेता थे उसके बाद अगर बात करते हैं हम रामोसी विद्रोह का किसका रामोसी विद्रोह का तो रामोसी विद्रोह आपको देखने को रामोसी विद्रोह जो देखने को मिला था आपका ये था आपका पश्चिमी घाट कहाँ पे पश्चिमी घाट को प्रभावित किया था और चित्तर सिंह इसके प्रमुख नेता थे 1822 से 1829 में ये हुआ था ठीक है रामोसी विद्रोह तो इस तरीके से आपका ये जितना भी ऑप्शन में है वो सारा इम्पोर्टेंट है सभी को आप लोग ध्यान से याद रखिएगा एक नील आंदोलन बच गया तो नील विद्रोह या फिर नील आंदोलन कहे तो ये बंगाल के क्षेत्र को प्रभावित किया था और दिगंबर जो इसके प्रमुख नेता थे अठारह से साठ के बीच में जो है ये आंदोलन हुआ था चलिए अगला प्रश्न देखते हैं उनतीस नंबर उनतीस नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि है तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पनामा नहर कौन है पनामा नहर जो है ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जलसंधि है अगर हम हंडसन की बात करें दोस्तों तो जल जलसंधि जो है ये हणसन जलसंधि जो है हंडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर कहाँ पे हंडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर में जो हंडसन जल संधि है ये यह यहाँ की जलसंधि का नाम है और इसे जोड़ती है किसे हड़सन जलसंधि को और किसे जोड़ती है तो अटलांटिक महासागर को अगला है एक आपका यूकाटन चैनल है यूकाटन चैन चैनल बोले या फिर जलसंधि बोले ये मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरेबियन सागर को जोड़ती है और डेविस जलसंधि जो है ये बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है अगला प्रश्न है कि नक्षत्र की कुल संख्या कितनी है तो नक्षत्र की कुल संख्या जो हो जाएगा वो ट्वेंटी है ट्वेंटी नक्षत्र होते हैं इकतीस नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही हिंदी या अन्य राज्य की भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है उसके बाद है कि शासकीय प्रयोजन हेतु राज्य का विधानमंडल केवल आठवीं अनुसूची के किसी एक भाषा का इस्तेमाल कर सकता है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है तो इसमें स्टेटमेंट केवल एक सही है जो राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही हिंदी या अन्य राज्य की भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई का भाषा का दर्जा दे सकता है केवल और केवल आपका एक सही है शल्य चिकित्सक का पितामह किसे कहा जाता है तो शल्य चिकित्सक के पितामह कहा जाता है किसे तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी सुश्रित को सल चिकित्सा का पितामा किसको कहा जाता है तो सुश्रित को कहा जाता है सुश्रित आंसर अगला प्रश्न देखते हैं अच्छा इससे पहले अगला प्रश्न देखने से पहले एक बार बरा मिर के बारे में देख लीजिए बरा मिर जो है वो लेखक बरा मिर जो है बरा मिहिर के बारे में बात करें ये लेखक किसके हैं तो वृद्ध सहिता के लेखक बरा मिहिर है ठीक है बरा मिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं नागार्जुन का नागार्जुन का आपने काफ़ी नाम सुना होगा नागार्जुन की अगर हम बात करते हैं तो नागार्जुन जो है इसके इसके जो इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है सत्य सहसरिका सत्य सहसरिका और चरक की एक पुस्तक का नाम है जो आप लोग जानते होंगे आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि चरक चरक बहुत बार हम क्वेश्चन में इसको रिपीट किए हैं तो चरक को आप लोग कॉमेंट करके बताएंगे ठीक है चलिए अगला देखते हैं पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में कौन सा एक सही है इसकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम उन्नीस के तहत किया गया था इसके पूर्वोत्तर की कुल सात राज्य इसमें इसके पूर्वोत्तर में कुल सात राज्य शामिल हैं इस परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय परिषद के समान ही कार्य करती है तो कह रहा है कि कौन सा एक सही है तो इसमें से जो सही एक हो जाएगा वो पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय परिषद के समान ही कार्य करती है यही एक करेक्ट ऑप्शन है किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज भरतपुर की स्थापना की तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब औरंगजेब मुगल बादशाह के समय में सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज भरतपुर की स्थापना की निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है आम्रवर्षा केरल फूलों वाली बौछार कर्नाटक काल वैसाखी पश्चिम बंगाल लू बिहार तो इसमें से सुमेलित जो नहीं होगा वो फूलों का बौछार कर्नाटक ये सुमेलित नहीं है देखिए फूलों का बौछार की अगर हम बात करें तो इसका कर्नाटक भी सही है और केरल भी सही होगा ठीक है ये दोनों स्टेटमेंट इसका सही होगा ये भी तो सही है लेकिन पता नहीं इसमें गलत कैसे दिया है मेरे अकॉर्डिंग ये सही होना चाहिए क्योंकि जो काहवा होता है यानी कॉफ़ी जो होता है वो ग्रीष्मकालीन के समय पर यहाँ पे, पे कहवा के उत्पादन वाले क्षेत्रों में जैसे कर्नाटक हो गया केरल में होने वाली जो वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं फूलों का बौछार कहा जाता है तो ये भी आपका सही होगा लेकिन इसके अकॉर्डिंग इसमें गलत दिया हुआ है कि अगर केरल और कर्नाटक दो पहले केरल होता फिर कर्नाटक होता लेकिन काबा के लिए तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो केरल कर्नाटक जाना जाता है तो हमारे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो सभी सही, सही, सही दिया हुआ है अगला प्रश्न देखते हैं छत्तीस नंबर कि कौन सा वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्टी सिक्स का ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आयन मंडल वायुमंडलीय रेडियो तरंग को पृथ्वी प्रावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है वो है आयन मंडल कौन है आयन मंडल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक यानी उप राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद दो के ख दो के ख के तहत जो है वो उपराज्यपाल यानी कि जो प्रशासक क्षेत्र के होंगे वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए लॉर्ड रिपन ने अठारह में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित कर देसी भाषा के समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया दूसरा है कि अठारह में लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया आगे देखते हैं अगला है कि किसाव बांध परियोजना Uh, किस नदी पर स्थित है तो किसाव बांध परियोजना जो है ये आपका कहाँ पे हो जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टोंस नदी पे टोंस नदी पे आपका किसाव बांध परियोजना है कृष्णा नदी से अगर आप देखेंगे तो कृष्णा नदी पे तो दो तीन परियोजना है जिसमें एक आप याद रखेंगे छोम बांध छोम बांध जो है आपका कृष्णा नदी पे है छोम बांध कहाँ पे है कृष्णा नदी पे है इसके अलावा अलमटी बांध परियोजना भी कृष्णा नदी पे है अलमाटी बांध और एक है ऊपरी कृष्णा परियोजना जो कि ये भी आपका कृष्णा नदी पे ही है नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है ये भी आपका कृष्णा नदी पे ही है ठीक है इसके अलावे आप अगर अब देखना इसके अलावा आप देखेंगे अगर आ, स, आ, सतलज नदी वगैरह का भी याद रख लीजिएगा एक भांगरा नागल परियोजना जो है वो सतलज नदी पे है तो ये भी इम्पोर्टेंट है उसके बाद चंबल नदी ऑप्शन में दिया है तो चंबल की बात करें तो चंबल परियोजना है और इसके यहाँ पे जो है वो गांधी सागर बांध भी मध्य प्रदेश में है राणा प्रताप सागर राजस्थान का है जवाहर सागर बांध राजस्थान में है ये सभी आपका जो है इसी नदी के तट पर है चालीस नंबर देखेंगे कि भारतीय मुसलमान द्वारा मनाए जाने वाले किस त्यौहार को मीठी ईद कहा जाता है तो ईद उल फितर को ईद उल फितर को जो है वो मुसलमान के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है जिसको मीठी ईद कहा जाता है भारत की आकस्मिक निधि एवं राज्य की आकस्मिक निधि का प्रावधान संविधान के एक ही अनुच्छेद में किया गया यह अनुच्छेद कौन है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सॉरी ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद दो भारत की आकस्मिक निधि एवं राज्य की आकस्मिक निधि का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद दो में दो में किया गया है कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लखनऊ अधिवेशन उन्नीस में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो कांग्रेस का अधिवेशन किया गया था लखनऊ अधिवेशन उन्नीस का उसमें इन्होंने बताया था कि समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है तो भारत में सर्वाधिक आबादी वाला अगर हम द्वीप की बात करें तो वो हो जाएगा आपका सलसेट सलसेट जो है वो भारत की सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है धन विधायक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए धन विधायक राष्ट्रपति की सिफारिश में केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है धन विधायक लोकसभा से पारित होने के बाद सीधे राष्ट्रपति को भेजा जाता है धन विधायक को राज्यसभा न तो संशोधित कर सकती है और न ही खारिज कर सकती है और न ही संशोधन के लिए सिफारिश कर सकती है धन विधायक के संदर्भ में राष्ट्रपति विट्टो का प्रयोग नहीं कर सकता तो कौन सा स्टेटमेंट दोस्तों करेक्ट हो जाएगा तो इसका जो स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केवल एक और चार ही इसका करेक्ट होगा एक में क्या है कि धन जो होगा वो राष्ट्रपति की सिफारिश से लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है एक और चार ही कथन आपका सही है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने काकोरी डकैती कांड का कब अंजाम दिया तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारी ने काकोरी डकैती कांड को अंजाम दिया और ये जगह कौन सा था इस जगह का नाम बताइएगा आप लोग कमेंट करके निम्नलिखित कथनों पर विचार करें दिया है कि पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से एल नीनो की उत्पत्ति होती है पहला स्टेटमेंट है दूसरा है पश्चिमी प्रशांत महासागर के जल के तापमान की वृद्धि से लालिनों की उत्पत्ति होती है और तीसरा है मौसम पर एल नीनो और लानिनो का प्रभाव ठीक एक दूसरे के विपरीत होता है तो कौन सा सही है तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है तीनों स्टेटमेंट एक बार रिपीट कर देते हैं कि जो पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से एल नीनो की उत्पत्ति होती है पश्चिमी प्रशांत महासागर के जल के तापमान की वृद्धि से लानिनों की उत्पत्ति होती है और मौसम पर एल नीनो और ला नीनो का प्रभाव ठीक एक दूसरे के विपरीत होता है सैतालीस नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता दो या दो से अधिक राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेश पर है तो ऐसे अगर हम न्यायालय की बात करें तो वो हो जाएगा चार चार ऐसे न्यायालय हैं जिसमें कि राज्य और शासित प्रदेशों पर है अधिकारिता भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं उपयुक्त उद्घोष ६ जुलाई १९४४ में किसके द्वारा किया गया था तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा उन्नीस सौ में 6 जुलाई 1944 को यह घोषणा उद्घोष किया गया था कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है तो अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है वर्षा स्तरी वर्षा स्तरी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सूची सुमेलित नहीं है राग भैरवी प्रातः काल राग मल्हार वर्षा ऋतु राग हिंडोल शीत ऋतु राग भूपाली रात्रि के प्रथम पहर में तो सुमेलित नहीं है राग हिंडोल शीत ऋतु में ये सुमेलित नहीं है इसके राग हिंडोल के गायन का समय शीत ऋतु नहीं बल्कि प्रातः काली है प्रातःकाल ही होगा इसीलिए आपका ये सुमेलित नहीं है इक्यावन नंबर देखेंगे कि निम्न में से कौन सा अंग माता और गर्भ के बीच संपर्क अंग का कार्य करता है तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपरा प्लेसेंटा जिसको बोलते हैं माता और गर्भ के बीच संपर्क अंग का कार्य प्लेसेंटा करता है कौन करता है प्लेसेंटा बावन नंबर प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है एसिटिक अम्ल एक रासायनिक नाम एथिल एसिटेट है उसके बाद नेक्स्ट है सिक्स से एट प्रतिशत तनु एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं एच अम्ल की तुलना में एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है ठंडा किए जाने पर शुत एसिटिक अम्ल का जमकर वर्षा जैसा ठोस क्रिस्टल मन बदल जाता है जिसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं तो ये जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का वो ए हो जाएगा एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम एथिल एसिटेट है ये आपका सही नहीं है <laughs> सॉरी तो एसिटिक अम्ल को जो है क्या रासायनिक नाम से ना जाना जाता है इसका फॉर्मूला होता है सी एच थ्री सी डबल ओ एच और इसे एथोनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है इसीलिए आपका ये स्टेटमेंट गलत है तिरपन नंबर प्रश्न को देखेंगे फिफ्टी थ्री में कि निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है एम्पियर ओम या वोल्ट यह स्टेटमेंट आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट है वोल्ट बराबर होता है एम्पियर भाग ओम ये भी सत्य है कह रहा है कि सॉरी सत्य नहीं है मतलब गलत है ये सब और वोल्ट ओम डिवाइडेड एम्पियर ये भी गलत है एम्पियर वोल्ट ओम तो ये आपका डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फिफ्टी थ्री का बिल्कुल डी स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया हुआ है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इधर है फिफ्टी फोर ना कोशिका के रसधानी के चारों ओर से कोशिका के राजधानी के चारों ओर से घिरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं तो कोशिका के रसधानी से चारों ओर से घिरने वाली झिल्ली को कहा जाता है टोनोप्लास्ट uh, क्या कहते हैं टोनोप्लास्ट ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है तो सात से लेकर सात दशमलव आठ के बीच मानव शरीर का पीएच मान होता है सात से सात दशमलव आठ के बीच दो वस्तु के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तु का दरमान दो गुना कर दिया जाए तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा चार गुना हो जाएगा कितना हो जाएगा चार गुना निम्न कथनों पर विचार कीजिए अमाशा में भोजन का आंशिक पाचन होने पर भोजन गाढ़े लेई के तरह हो जाता है जिसे चाइल कहते हैं छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होने पर भोजन घुलनशील तरल में परिवर्तित हो जाता है जिसे कायम कहते हैं छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अपशोषण इलियम के बिलाई द्वारा होता है तो कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया हुआ है तो स्टेटमेंट केवल और केवल जो है वो तीन ही सत्य है छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के विलाई द्वारा होता है केबल और केबल आपका यही करेक्ट है सी नंबर फिफ्टी एट दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है जल का उबलना लोहे का पिघलना का संघनन कोयले का जलना तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण अगर हम देखेंगे तो वो आपका कोयले का जलना हो जाएगा अगला है कि निम्न में से कौन सा ग्राफ एक समान चाल को प्रदर्शित करता है एक समान चाल को मतलब अगर कोई कोई भी चीज़ अगर आपका सीधा चलता है तो उसको हम लोग रैखिक गति बोलते हैं ठीक है और तो ये आपका हो जाएगा लीनियर मोशन जिसको बोला जाता है तो ये आपका हो जाएगा कौन सा सीधा कहाँ ग्राफ कहाँ सीधा बन रहा है तो सीधा ग्राफ आपका एक और एक मात्र इसमें बन रहा है ए वाले में ठीक है तो कौन सा करेक्ट होना चाहिए फिफ्टी नाइन का वो इसमें तो आंसर अच्छा ये चाल की बात क्या है सॉरी हाँ ये बी वाला करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक समान चाल को प्रदर्शित करता है बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 59 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है अगला प्रश्न देखते हैं नंबर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के आदेश पर पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ ने जल की गुणवत्ता के आधार पर जल को कितने श्रेणी में विभक्त किया है तो जल को कितने श्रेणी में विभक्त किया है तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पांच श्रेणी में विभक्त किया है कितने श्रेणी में पांच श्रेणी में इकसठ नंबर प्रश्न को देखिएगा कि मनुष्य के शरीर में स्थित विभिन्न जैव रासायनिक तत्व ग्लूकोज यूरिया कोलेस्ट्रोल की जांच हेतु उपयोग में लाया जाता है तो इस सभी की जांच हेतु जो जो है, उपयोग में लाया जाता है वो हो जाता है ऑटो एनालाइजर ऑटो एनालाइजर का उपयोग किया जाता है कथन एक में है कि सभी प्रकार का दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है और सभी प्रकार का ऑक्सीकरण दहन अभिक्रिया नहीं होती है तो इस दोनों स्टेटमेंट में जो आपका कथन एक और दो, दोनों सत्य है दोनों कथन आपका बिल्कुल सत्य है तिरसठ नंबर प्रश्न जो कि आपका मैथ्स का है 25 मीटर प्रति सेकंड चाल से चल रही 1500 सौ के जी की कार ए किसी दिशा में 15 मीटर पर सेकंड से चल रही है 1000 हजार के जी के एक अन्य कार बी से टकरा जाती है टकराने के बाद कार ए का बेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है तो टकराने के बाद बी का बेग क्या होगा तो ये आपका जो है फिजिक्स का ही नोमेरिकल टाइप का प्रश्न है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बाईस दशमलव पाँच मीटर सेकेंड इसका बेग होगा उत्पादक उपभोक्ता के पारस्परिक संबंध के चलते उत्पादक के आबादी में उपभोक्ता की वृद्धि का क्या असर पड़ता है तो असर क्या पड़ेगा कमी आती है इसमें इसमें कमी आ जाएगी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 64 का कह रहा है कि जो उत्पादक उपभोक्ता के पारस्परिक संबंध के चलते उत्पादक की आबादी में उपभोक्ता की वृद्धि का असर पड़ता है कि कमी आ जाती है उसमें धूम कोहरा क्या है तो धूम कोहरा की अगर हम बात करें तो ये कोहरा जो होता है कोहरा एवं धुआं का मिश्रण होता है ऑप्शन नंबर बी इनमें से किस विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग धैर्य होता है तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गामा किरने का गामा किरने का जो है वो तरंगधर होता है लघु सबसे लघु तरंगधर गामा का होता है पौधा में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है तो पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए जो क्रिया होता है उसको विशरण कहते हैं क्या कहते हैं विशरण कहते हैं संधूम नाइट्रिक अम्ल यानी कि फॉर्मिंग नाइट्रिक एसिड में नाइट्रिक अम्ल की लगभग प्रतिशत कितनी होती है तो 98 प्रतिशत जो होती है नाइट्रेट अम्ल का प्रतिशत होता है 98 परसेंट कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र लेंस की दुधिया तथा धुंधला हो जाता है इस स्थिति को क्या कहते हैं तो दुधिया या धुंधला हो जाता है इस स्थिति को कहा जाता है मोतियाबिंद। क्या कहते हैं मोतियाबिंद अग्नि फाइव मिसाल के विषय में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सही नहीं है इसे कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है इसकी प्रक्षेपन श्रेणी 5000 हजार किलोमीटर तक है यह दुश्मनों के रडार की पहुंच से बाहर रहेगी यह पूर्ण स्वदेशी नहीं है अग्नि फाइव मिसाइल तो इसकी बात करें तो यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है यह आपका सही नहीं है निम्न में से किस युग में खुला परिश्चय तंत्र होता है तो खुला परिच्चय तंत्र जो होता है वो कॉकरेज कॉकरेज का सिल्वर फिश में होता है ऑप्शन नंबर सी कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं देता तो कठोर जल जो है वो साबुन के साथ झाग इसलिए नहीं देता है क्योंकि कठोर जल में कैल्सियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं जो साबुन के साथ अच्छे बनाते हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है घरेलू विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में न जोड़ने के कारण हैं तो घरेलू विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में नौ जोड़ने के कारण तो जो हो जाएंगे वो होंगे स्विच बंद करने पर सभी उपकरण बंद हो जाएगा एक तो ये स्टिफ्ट, इसका करेक्ट आंसर सिर्फ और सिर्फ एक ही, ही होगा इसीलिए आंसर ये हो जाएगा सत्य कथन आपको ढूंढना था कथन एक में दिया है कि डीएनए को अनुवांशिक इकाई कहा जाता है जीन को अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है तो 74 में आप देखेंगे तो केवल आपका कथन एक सत्य है दो जो है वो बिल्कुल असत्य दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है सेवेंटी का सेवेंटी देखेंगे कि निम्न में से कौन सा तत्व के आयन विभव को सही क्रम में दर्शाता है तो आयन विभव को सही क्रम में जो दर्शाता है वो लिथियम बरेलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका 75 का 75 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एक मिनट एक बार चेक कर लेती हूँ मैं हाँ पचहत्तर का बी बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है ठीक है आगे देखिएगा आगे दिया हुआ है कि विद्युत एक विद्युत हीटर पर अंतिम शक्ति डेढ़ सौ सॉरी पंद्रह सौ वाट अंकित है इस हीटर का दस घंटा उपयोग करने पर कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा की खपत होगी तो कितनी कितनी खत खपत होगी तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेवेंटी सिक्स का ऑप्शन नंबर सी पंद्रह यूनिट निम्न में से किस जीव में मुख्य रूप से बीजाणु जनन द्वारा अलौंगिंग जनन होता है तो ये हो जाएगा कबक के द्वारा कबक के द्वारा जो है वो अलौंगिंग जनन होता है इक्वेनियल का उपयोग होता है तो इक्वेनियल का उपयोग जो होता है ये कहाँ पे होता है अवसाद मिटाने में इक्वेनियल का उपयोग होता है तीस न्यूटन का बल सिक्स के जी दरमान की वस्तु पर दो सेकेंड तक कार्य करता है तो वस्तु का त्वरण क्या होगा तो पाँच मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वस्तु का त्वरण होगा निम्न में किस कृत्रिम स्वीटिंग एजेंट में सर्वाधिक मिठास होती है तो इसका आंसर आपका सुक्रोज हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुक्रोज जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सुक्रोज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुक्रोज पहला कृत्रिम स्वीटनर था जो पहली जिम्मेदारी है इसकी ठीक है सुक्रोज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अगर एस्पार्टम एक कृत्रिम गैर पवित्र स्वीटनर है यह चीनी की तुलना में 200 गुना अधिक मीठा होता है और आमतौर पर इसका उपयोग खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ में चीनी के विकल्प के रूप में हम लोग करते हैं और सुक्रलोज एक शून्य कैलोरी कृत्रिम स्वीटनर है जिसमें कि शून्य कैलोरी होता है ठीक है इसे ध्यान रखिएगा इसीलिए आंसर जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न आता है आपका अगला प्रश्न आता है इक्यासी नंबर इक्यासी नंबर प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है तो वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के जो अध्यक्ष हैं वो सैफ अहमद हैं सैफ अहमद मैग्नीज के उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है तो मैग्नीज के उत्पादन में जो राज्य पहला है वो हो जाएगा मध्य प्रदेश कौन है मध्य प्रदेश किस राज्य के जलगांव केला को जीआई टैग दिया गया है तो महाराष्ट्र राज्य के जलगांव केला को जीआई टैग दिया गया है महाराष्ट्र राज्य के जलगांव केला को जीआई टैग दिया गया है किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया तो मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है जो भारतीय हैं किस देश के वैज्ञानिक ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है तो इसराइल देश ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है इसराइल देश के वैज्ञानिक ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता है तो मिस इंडिया 2022 का खिताब जो जीता है वो आर्या बाल पेकर ने आर्या बाल पेकर ने किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानूरी को लॉन्च किया है तो दानूरी को लॉन्च करने वाला जापान है कौन है जाप, सॉरी जापान कहते हैं दक्षिण कोरिया दक्षिण कोरिया जो है वो दानूरू को लॉन्च किया है भारत ने किस देश को हरा कर सैफ अंडर ट्वेंटी फुटबॉल चैंपियंस जीता है तो ये बांग्लादेश को हरा कर जीता है भारत ने अगला देखते हैं अगला प्रश्न 89 नाइन नंबर किस राज्य के द्वारा गाय गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दंतु योजना शुरू किया गया है तो यह किया गया है कर्नाटक के द्वारा पुण्य कोटि दंतु योजना शुरू जिसमें गाय को गोद लिया जाएगा पुस्तक बिल पावर पुस्तक बिल पावर के लेखक कौन है तो पुस्तक बिल पावर के लेखक जो है वो सोजड मारिन है कौन है सोजड मारिन नाइन्टी वन देखिएगा कि हाल ही में महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 भारत ने किस देश को हराकर कर पदक जीता है तो म, महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 के जो महिला में था इसमें भारत ने भारत ने चीन को हराकर कर ये खेल जीता है चीन को हरा के चौबीसवा सीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की भारत की ओर से भाग लेने वाली एकमात्र खिलाड़ी जो थी वो मोहम्मद आरिफ खान थे मोहम्मद आरिफ खान सड़सठवां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया तो ये दिया गया रणवीर सिंह को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 अब तो आपका नेक्स्ट दो वाला भी आ गया तो इक्कीस में जो दिया गया था ध्यान रखिएगा ये दिया गया था आपका अर्दम पटा 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 पाउटियम को शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन है तो यह हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ शहरी क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ है छियानवे नंबर प्रश्न है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है तो यह घोषणा किया है आपका ई ने ई ने जो है ईएसए ने यह घोषणा किया है कि पहला विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करेगा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का स्थान क्या है तो भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान की बात करें तो 85वां है क्या है 85वां भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब की गई थी तो भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को हुई थी नेक्स्ट प्रश्न है कि पांचवा क्वाड सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया तो क्वाड का जो है ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में किया गया भारत का पहला टीवी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन बना तो वो बना है लक्षद्वीप जो कि पहला टीवी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है तो दोस्तों ये न्यावला प्रैक्टिस सेट का टेस्ट वन समाप्त हो गया उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेट पसंद आया होगा पसंद आए तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा लाइक कर दीजिएगा जो लोग पहली बार चैनल पर आ रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत